हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और जैसे कि आपने टाइटल देखा है, आपने थंबनेल देखा है, तो आपको पता है कि हम एक खास जगह पे है और एक खास जगह के सामने, इनफैक्ट देख लो आप, रितिका की नज़र तो हट ही नहीं रही है, कब से देख रही है, बिकॉज जस्ट हमारे सामने है ताजमहल। जैसे आप सभी को पता है, ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है और एक अजूबा हमारे देश में है, तो जाहिर सी बात है अच्छा तो लगता ही है। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेन्द्र, वणक्कम, नमस्कारम एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो। तो हम कल रात को ही आगरा पहुंच गए थे, फिर रात के 10 बजे थे, तो हम लोग ने ऐसे ही ऑनलाइन चेक करा तो हमको एक हॉस्टल दिख गया जिसकी रेटिंग्स बहुत प्यारी थी, जॉयस हॉस्टल नाम है। और इनफैक्ट हम उसी के रूफटॉप पे खड़े हैं जहाँ से ब्यूटीफुल से ताजमहल दिख पा रहा है हमको, इतना प्यारा सा। तो वही बात है कि फिर हम लोग ने ये बुक कर दिया। अब ये कैसा है, रूम वगैरह क्या है, और हॉस्टल रितिका का पहली बार है। एक्चुअली यहाँ पे प्राइवेट रूम भी था, लेकिन वही बात थी कि मैंने बोला रितिका चलो मैं आपको हॉस्टल का एक्सपीरियंस बताता हूँ और डॉम्स में कैसे रहा जाता है। और यू नो, वो डॉम्स रूम में लड़कियाँ भी है, फॉरेनर्स भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, रितिका को एक बार एक्सपीरियंस करा ही देता हूँ। अब बजे है सुबह के 7:15 और हमारा प्लान था 7 बजे जाने का, क्योंकि जितना अर्ली आप जाओ 6 बजे खुल जाता है ताजमहल, फ्राइडे को बंद रहता है, तो आप आगरा फ्राइडे को प्लान मत करना अगर ताजमहल देखना है तो। तो 6 बजे के आसपास खुल जाता है और 6 बजे शाम को बंद हो जाता है ना। और मैं देख पा रहा हूँ कि पब्लिक तो अभी आनी शुरू हो गई है, भीड़ दिख रही है तुम्हें है ना, तो अभी हम निकल जाते हैं। एक्चुअली 6:30 बजे ही जाना था, लेकिन क्या है ना, मैं तो रेडी हो गया था। आपको पता है लड़कियों के नखरे, काजल कैसा है, बाल ऐसे बनाओ कि ऐसे बनाओ, ब्रश ऐसे करूँ कि ऐसे करूँ। अब पता है वो ताजमहल जाके लोग ऐसा करते हैं, उंगली उंगली पे ऐसा करके फोटो ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, ये तो पूरा देखो अभी हाथ में ले रहा हूँ मैं। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं ताजमहल के अंदर, प्रवेश कर लिया है। बता दूं कि 4 द्वार है, 4 गेट है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। हमने कहां से एंट्री करी है? ईस्ट गेट से, बिकॉज हमारा हॉस्टल सिर्फ 2 मिनट बाय वॉक था ईस्ट गेट से। और आप देख सकते हो अलग अलग द्वार है सब, पब्लिक इतनी है नहीं, अच्छी बात है। और मौसम इतना गर्म है नहीं, बिकॉज अब जस्ट 7:30 बजे है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा 10-11 बजे तक हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल का महीना है, तो जल्द हो सके तो 10 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल जाएंगे एक्सप्लोर करके। और ये रहा एंट्री, मेन एंट्री। कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो जो स्टार्टिंग के वीडियो के शॉट्स थे जो रूफ टॉप से लिए थे हमारे हॉस्टल के, वो सब DJI एक्शन से ले लिए थे, हॉस्टल में रख दिया, और अब फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है। यहाँ पे कैमरा वगैरह नॉट अलाउड है। गाइस, अचानक से मेरे दोस्त के रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने रिकमेंड करा कि इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी का रेट बहुत हाई था, और पता है उससे भी बुरी बात क्या, उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। अगर होता हेल्थ इंश्योरेंस तो जब फैमिली पे अचानक से फाइनेंशियल बर्डन आया ना, वो सारा कवर हो जाता। और ऐसी सिचुएशन में ना हेल्थ इंश्योरेंस बहुत काम आता है, इसलिए मैं सभी व्यूअर्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले। और जब हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बात आती है तो पॉलिसी बाजार मेरे नजरों में सबसे बेस्ट है। पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस कोविड भी क्लेम करता है, और पॉलिसी बाजार में 5 लाख तक का आपको हेल्थ इंश्योरेंस केवल 300 रुपया प्रति मंथ में मिल जाएगा। और यहाँ आपको 250 से ज्यादा प्लान मिल जाएंगे चूज करने को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। एक और कमाल की बात यह है कि आप इसे इंस्टेंटली परचेस कर सकते हो बिना कोई मेडिकल टेस्ट के। और तो और सोने पे सुहागा तो ये है कि आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिल जाएगा, जिससे आप बात कर सकते हो और सारी जानकारी उनसे आप प्राप्त कर सकते हो। यहाँ आपको 100% क्लेम असिस्टेंस भी मिल जाएगा, वो भी सिर्फ 30 मिनट में। और इनका एक डेडिकेटेड क्लेम डिपार्टमेंट भी है फॉर ऑल क्लेम रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि कस्टमर फेस कर सकता है। अगर कोई कस्टमर हॉस्पिटल या अपने घर में क्लेम रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो इनका एक एग्जीक्यूटिव विद इन 30 मिनट्स आपको या तो हॉस्पिटल में या फिर आपके घर में या फिर आपको कॉल करके आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देगा। और तो और आपको 75,000 तक का टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है अंडर सेक्शन 80D। तो फिर टेंशन की क्या बात जब पॉलिसी बाजार है साथ। तो गाइस, policybazaar.com की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर एक बार चेक करना, टालो नहीं, policybazaar.com से ले डालो। मैडम फटाफट बताओ एंट्री कैसे करना है? एंट्री आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट है asi.in करके, आप ताजमहल ऑनलाइन टिकट सर्च करोगे तो आपको सब मिल जाएगा, गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाता है ना। इट इज बेटर टू आप ऑनलाइन ही टिकट निकालो, क्योंकि यहाँ पे 10 बजे के आसपास से ही टिकट फिजिकली स्टार्ट होती है,
और ऑनलाइन आप टिकट परचेज कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड का नंबर डालना है, आपका नाम डालना है और बस 45 रुपीज़ पे करना है पर पर्सन का, 45 रुपीज़ चार्ज है। और दो टाइप की टिकट होती है, एक तो ये होती है कि आप एंट्री कर रहे हो और पूरा देख रहे हो ताजमहल बाहर से, वो उसका चार्ज है 45 रुपीज़ पर पर्सन। और दूसरा रहता है कि आप अंदर भी जा सकते हो, वाइट जो ताजमहल है प्रॉपर अंदर जा सकते हो, 200 रुपया पर पर्सन। तो पूरा टिकट की बात करूँ तो पर पर्सन 245 में हो जाएगा काम। वही अगर फॉरेनर होता है तो ये जो स्टार्टिंग का है ना जो 45 लग रहा है उसके बदले 1050 अगर आप इंडियन नेशनल नहीं हो तो 1050 रुपया लगता है और फिर 200 रुपया अंदर लगता है, मतलब 1250 लग जाता है। वो ऐसे ही होता है, कोई भी मैं फॉरेन कंट्री भी जाऊँगा ना तो वहाँ का अगर ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस होगा तो वहाँ के लोकल्स को बहुत सस्ता या फ्री रहता है और फॉरेनर्स को महंगा रहता है, 3 गुना 4 गुना पैसा रहता है, वो हर कंट्री में रहता है। फॉरेनर्स तो इंडिया में आना स्टार्ट हो गए। हाँ, जितना जल्दी हो सके ना अर्ली मॉर्निंग आने की कोशिश करना, भीड़ बहुत कम रहेगी और अच्छा भी लगेगा बिकॉज आप फोटोज़ या वीडियोज़ कुछ भी लोगे तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी नहीं बिकॉज भीड़ ज़्यादा नहीं होगी। हिस्ट्री पढ़ी है ना, किसने बनाया है ताजमहल? शाहजहां ने। हाँ बराबर। अरे यार क्या मजदूरों ने बनाया, ऐसे बोलते ना कि बनवाया है तो शाहजहां का नाम देती है, आपने क्या पूछा बनाया है तो मजदूरों ने बनाया है ना। हाँ हाँ मैडम तुम जीती मैं हार गया। ऐसे पता है ना ये मुगल एम्पायर कहाँ से आए थे, मतलब कहाँ से आके इन्होंने इंडिया में सब किया? उज्बेकिस्तान। मैंने इसको बताया था, हाँ वीडियोस भी देखे शादी के पहले, इसने मेरे वीडियोस भी देखे, पिछले साल मैं उज्बेकिस्तान गया था। अगर आपने सीरीज नहीं देखी तो देख लेना, बहुत ही शानदार है, जिसमें समरकंद ताशकंद सारी चीज़ें बताई है। बस बातों बातों में हम नज़दीक पहुंच भी गए हैं, अब देखते हैं टिकट यहाँ पे मिलती है 200 रुपये की, फिर जाएंगे अंदर। टिकट फॉर मेन मॉसोलियम 200 रुपीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो ये ले ली हमने प्रीमियम दो टिकट्स। ये सारे पैसे गवर्नमेंट को ही जाते हैं? गवर्नमेंट को नहीं जाते, ASI को जाते, जहाँ से यू नो वेबसाइट से परचेज करा है हमने टिकट। वो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भी इंडिया का आर्कियोलॉजिकल चीज़ें होता है ना, जो खोद के सब डिस्कवर करते हैं हिस्टोरिक चीज़ें वगैरह, हाँ मतलब उस पे थोड़ा जाता रहेगा, थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता रहेगा ऐसा। ये देखो यहाँ पे लिखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, इसी का हो गया ASI। भाई शाहजहां ने ना बहुत पैसा खर्चा किया था इसको बनाने में, प्यार करता था ना इसलिए इसको सिंबल ऑफ लव बोलते हैं। प्यार के चक्कर में बहुत पैसा खर्चा कर दिया था जिसकी वजह से शाही खजाना काफ़ी कम हो गया था, जिसकी वजह से इसका खुद का बेटा औरंगजेब, यू नो औरंगजेब पढ़ा रहेगा हिस्ट्री, शिवाजी महाराज के सामने बहुत फाइट होती थी और शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत वाट लगा दी थी मुगलों की। तो वो जो औरंगजेब था ना तो उसने कैद कर दिया था, कालकोठरी की सजा दे दी थी खुद के बाप को शाहजहां को, बिकॉज काफ़ी यू नो खर्चा कर दिया था उसने। तो ये कर लिया हमने एग्जिट, ब्यूटीफुल सा ताजमहल और अंदर भाई साहब क्या कारीगरी है, मतलब मज़ा आ गया। और अंदर जो मतलब यू नो संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो स्टोन्स यूज़ किए गए हैं वो बेसिकली इको प्रूफ है, मतलब इको साउंड है, अगर एक बार आवाज़ बोलते हो तो 7 बार गूंजती है, और लाइट रिफ्लेक्शन वाले मतलब लाइट जाती है तो मून की तरह चमकता है, तो वैसे वैसी चीज़ों का उपयोग करके यहाँ के मजदूरों ने जो कारीगरों ने बनाया था, जिसकी वजह से उनकी हाथों की वाट लग गई थी, बिकॉज मुगलों को है ना कमल का फूल बहुत पसंद है। तो अंदर जो कारीगरी थी जो तुमने देखा था ना एकदम बारीकी, वो पूरा कमल के फूल के कॉन्सेप्ट में बनाया था, जिसकी वजह से ऐसे बोला जाता है कि हाथ काटे थे, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हाथ नहीं कटाए थे, उनकी उंगलियां ही पूरी नष्ट हो गई थी ये बनाते बनाते। यहाँ पे तो शाहजहां और मुमताज दोनों के थे ना कबर? हाँ, लेकिन वो जो थे वो रेप्लिका थे और नीचे ओरिजिनल है। हाँ, तो नीचे मतलब कैसा है कि बरसी होती है या फिर आप कह सकते हो उरुस होता है ना, जब अभी ये 27 फरवरी 28 फरवरी और 1 मार्च को था, 3 दिन था, जिसमें एक दिन फ्री रहता है एंट्री और बाकी 2 दिन ना दोपहर के 2 बजे के बाद एंट्री फ्री रहती है, तो पब्लिक लाखों की भीड़ में आती है और वेट करती है कि हम जाएंगे तो दोपहर को ही जाएंगे। इस तरफ आओ थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ इस तरफ। और दूसरा चीज़ ये है कि अभी जो नेक्स्ट ईयर 2023 में आएगी वो 3rd वीक ऑफ फेब में आएगी, जब 3 दिन सेम वैसे ही होगा कि एंट्री फ्री होगी और आप नीचे जा सकते हो, असली मकबरे को देख सकते हो। ये कौन सी रिवर है पता है? नहीं पता है? यमुना। हाँ, जो बाबुर था ना जिसने मुगल शासन लाया था इंडिया में, वो इधर ही किधर मरा था, लेकिन उसकी टॉम यानी कबर वो है अफगानिस्तान में। और इसका जो फादर था आमिर तिमूर, उसकी कबर तो मैं देख के आया समरकंद उज्बेकिस्तान में।
इनकी कब्रें सब ऐसी होती है? हाँ लगभग सब ऐसी है, मुगलों की मतलब ये जो शासन या फिर आप बोल सकते हो कि इनकी बनावटी लगभग ऐसी होती है, थोड़ी बहुत कारीगरी का फर्क होता है, बाकी वो भी ऐसा ही दिखता है। मतलब अगर मैं उज़्बेकिस्तान जाके आया हूँ तो मेरे को इधर इतना वाव वाला इफेक्ट नहीं, लेकिन हाँ ऐसा अच्छा लगता है कि अपने देश में कोई एक सात अजूबा में से एक चीज़ है, दैट्स इट। तो चलो तो फिर हो आए ताजमहल, अंदर से भी देख लिया, बाहर से भी दिखा दिया, इन्फॉर्मेशन भी दे दी, अब धूप भी बढ़ रही है, क्राउड भी बढ़ रही है, तो वक्त आ गया है बाहर निकलने का और देखते हैं कुछ अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं आगरा में। और हाँ अपना रूम भी तो दिखाना है हॉस्टल का, और फोटोज भी तो लेने इंस्टाग्राम के। हाँ फोटोज भी थोड़े लेने बाकी है, मोहतरमा के लेने बाकी है, मेरे लेने बाकी है फोटोज, तो इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते हो कर देना। अपन टिकट निकाल के इतने मजे नहीं ले रहे जितने ये फुकट में ले लेते। I love India. Yes. Ah, this is your first time? First time. Ah, so you're enjoying summer here? Surviving. Surviving. try to visit in, you know, November, December month, January. That's what my friends always tell me. Yeah, yeah. So what's your next plan from India? Just more of India. Mumbai. Goa, so Chennai. I'm from Mumbai. Okay. Yeah. Okay. After 3 days I'm heading back to my home. What neighborhood should I stay in? Sorry? Where should I stay? In area. Mumbai, South Mumbai. South Mumbai. Yeah. Okay. Near to the Gateway of India, Hotel Taj. That would be a great place, you know. Okay. तो बस जो वीडियो की शुरुआत में रूफटॉप देखा था वो दूसरी बिल्डिंग थी, मतलब इसी के पीछे जो हॉस्टल है कनेक्टेड है, तो वो दूसरी बिल्डिंग थी जहाँ से हमने शूट करा था। और ये है ताजमहल से और नज़दीक दूसरी बिल्डिंग हॉस्टल की, जहाँ से आप देख सकते हो कि एंट्रेंस गेट हो गया, साउथ गेट या फिर ताजमहल थोड़ा ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है। एनीवेज इवनिंग का वक्त हो गया है, ये थक के आए हम घूम फिर के, उसके बाद सो गए थे, लंच करा था जनता भोजनालय था ना, जनता भोजनालय। एक्चुअली यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बहुत मुश्किल है बाबा, जितना सोचा था उससे आगरा थोड़ा सा टफ है फॉर वेजिटेरियंस या फिर फॉर ट्रैवलर्स। तो वही बात है, एक लकीली मिल गया यहीं पे पास में, ये 200 मीटर की दूरी पे जनता भोजनालय, जहाँ पे हमने लंच करा फिर आए फिर सो गए। अब हो गई शाम, अब थोड़ा सोचा कि 5-10 मिनट यहाँ वक्त गुजारते हैं रूफटॉप पे, उसके बाद निकलेंगे आगरा फोर्ट। बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि वो भी लाल पत्थर से ही बना है, तो रेड फोर्ट ही निकलते हैं, जबकि रेड फोर्ट है दिल्ली में और ये है आगरा फोर्ट। यहाँ पे सही है ना लोगों को जो लोकल्स रहते हैं, एकदम इतने नज़दीक रोज़ सुबह शाम ताजमहल। लेकिन सच बताओ क्या, जो जितना नज़दीक रहता है ना जहाँ पे भी और कंटिन्यूस सुबह शाम दिखते थे, तो उसकी वैल्यू उल्टी उन लोग के नज़र में कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम मुंबई में रहते तो हमारे लिए समंदर इतना वो नहीं है जितना नॉर्थ वालों के लिए समंदर है ना, वही बात है बस। लेकिन ये बात है कि समंदर एक तरफ और ऐसे सात अजूबा में से एक ताजमहल वो एक तरफ है, तो चलते हैं हम दूसरी तरफ जहाँ आगरा फोर्ट है। तो अभी बस निकल पड़े हैं और ऑटो वाले अंकल ने कहा कि ASI पायू वही वेबसाइट जहाँ से ताजमहल की ऑनलाइन टिकट निकाली थी, उसी से ऑनलाइन टिकट निकालनी पड़ेगी आगरा फोर्ट के लिए भी। तो वही अभी कर रहा हूँ, तकरीबन 40 रुपए के आसपास होगा, एक बार बुक कर लेता हूँ, तब तक हम पहुँच भी जाएंगे और टाइम सर हम एक्सप्लोर भी कर पाएंगे, क्योंकि 6 बजे के आसपास शाम में आगरा फोर्ट भी हो जाता है बंद। ये हम एंटर हो गए हैं आगरा फोर्ट, और क्या सही टाइम पे एंट्री की है ना, सनसेट हो रहा है, अच्छे टाइम पे एंट्री की है। जैसे ही आप एंट्री करते हो देखो, ताजमहल में तो DJ एक्शन कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि आगे 25 रुपया इसकी पर्ची कट जाएगी, तो 25 रुपया देकर आप ये अंदर लेके जा सकते हो, ये सही है। वैसे तो मोबाइल से भी मैं शूट कर सकता था जैसे ताजमहल का करा, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ वाइड एंगल वगैरह व्यूज़ थोड़े प्रॉपर आ सकते हैं, ऊपर से सनसेट हो रहा है तो अमेजिंग से व्यूज़ शायद आ सकते हैं, तो 25 रुपए की पावती फटवाई दी।
एकदम नेचुरल साउंड, ये सबसे सही टाइम है, या तो अर्ली मॉर्निंग या तो सनसेट के टाइम, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कोई भी यू नो हिस्टोरिक प्लेस हो गया या फिर ऐसे ओपन प्लेस हो गया एक्सप्लोर करने का कहीं भी हो। अच्छा सिंहासन था यहाँ पे, हाँ 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 हाँ। आपका नाम क्या है? मिस्टर राहुल सिंह। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। इसको बोलते हैं पब्लिक कोर्ट, दीवाने-आम। दीवाने-आम जो जोधा अकबर मूवी में नहीं था, वो ऋतिक रोशन बैठता और यहाँ पे प्रजा होती है। अच्छा राजा इतनी ऊंचाई पे बैठ चुके ताकि पब्लिक को देख सके, पब्लिक राजा को देख सके। बिल्कुल बिल्कुल, सामने गेट से दिख रहा है, वहाँ से जी अजमेरी का सलामी देते थे लोग। अच्छा वहाँ से। अच्छा और कमरा वगैरह कहाँ पे था इनका? सामने कमरा, ये कमरे से आते थे, उधर जाली लग रही है, इधर में क्या है इनकी दासियां पंखे से हवा करती। अच्छा अच्छा, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों में ना कभी कभी ऐसे लगता है कि गाइड ले लेना चाहिए। गाइड आपको हर जगह मिल जाएगी 200-200 रुपए में, और टू बी वेरी ऑनेस्ट लेकिन मेरे को थोड़ा कम इंटरेस्ट है, इसको भी कम इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, कि पढ़ना है हिस्ट्री वापस। हाँ अगर देखो हिस्ट्री जाननी रहती है तो गूगल में भी मिल जाएगा, और मेरे को भी पता है कि अभी क्या ही बोलूँ कि ये इतने सन में बना था और ऐसे ऐसे बना था, इतना साल लग गया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अगर आप बड़ा ग्रुप हो, 6-8 लोग हो, तो कृपया करके गाइड कीजिए, बिकॉज कैसा है ना कि 200 / 6-8 होगा तो कुछ ज़्यादा आपको फर्क नहीं होगा, लेकिन उनको फर्क पड़ेगा बिकॉज उनको रोजगार मिल जाएगा। तो अब पता चला कि शाहजहां ने बनवाया था किला अकबर का अलग था, है ना, और ये शाहजहां ने बनाया था। और पता है क्या, यहाँ से ताजमहल जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब सुरंग नीचे से बनाई गई है, इधर से डायरेक्ट ताजमहल। और जब शाहजहां यहाँ पे अंतिम सांस ले रहा था ना भाई, क्योंकि औरंगजेब ने उनको बंदी बना के रखा था, तो 7 साल 8 महीना तक वो जेल में थे, और फिर जब उन्होंने आखिरी अंतिम सांसें ली तो उनकी भी कब्र फिर सुरंग के थ्रू ही ताजमहल तक दफनाई गई, मुमताज़ के बगल में। लेकिन हाँ, शाहजहां ने औरंगजेब को एक ही बोला था कि मेरे को कोई भी रूम में डाल चलेगा, बस मेरे को एक यू नो खिड़की चाहिए, कांच वाली खिड़की छोटी सी, ताकि कि मैं अपनी मुमताज़ की कब्र देख सकूँ, जब भी मुझे उसकी याद आए मैं ताजमहल को देख सकूँ। क्या प्यार था बहुत। और बाकी तो मुझे पता है कि आप लोगों का हमारे लिए प्यार वो भी अनमोल ही है, तो बस शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आई होप आपने इंजॉय करा है पूरे वीडियो को, क्योंकि लिए मैंने ताजमहल भी बता दिया और अभी आगरा का फोर्ट, जो कि आगरा की दोनों मेन चीज़ें हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रिप में, नेक्स्ट वीडियोज में, उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप होगी जो कि होगी इंटरनेशनल, तो आपका इंतजार रहेगा मुझे भी, और आपको भी मुझे पता है इंतजार रहेगा मेरे वीडियोज़ का। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। और इसी तरह आप इनक्रेडिबल इंडिया को प्यार देते रहिए।